इलाके के चंद्रखुरी में जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए सैनिक सहायता केंद्र उस वक्त दिलचस्प और भावुक नजारा देखने को मिला जब डिप्टी कलेक्टर और एसडीएम ब्रजेश सिंह क्षेत्रीय खुद ही मजदूरों को भोजन परोसने लगे। दरअसल बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे रोड पर सरगांव इलाके के चंदखुरी में जिला प्रशासन द्वारा पिछले 27 मार्च से यहां से गुजरने वाले मजदूरों के लिए श्रमिक सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है। इस केंद्र में मजदूरों के लिए भोजन पानी स्वास्थ्य संबंधित प्रारंभिक जांच के अलावा रहने की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में रोजाना 200 से 300 मजदूर खाना खाते हैं। देश के कई राज्यों से मजदूरों के लेकर जिस तरीके से तस्वीरें आती है, कई बातें आती है कि मजदूर भूखे पेट यात्रा कर रहे हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं। कहीं कहीं पर ये तस्वीरें भयानक होती है, जिसको देख लेने मात्र से लोग भावुक हो जा रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के निर्देशानुसार मुंगेली जिले के सरगांव इलाके में पिछले 2 माह यानी कि 27 मार्च से लेकर अभी तक सैकड़ों लोगों को रोजाना यहाँ पास चंद्रखुरी में भोजन की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर भोजन कराया जाता है। यहाँ पे जो जिला प्रशासन मुंगेली द्वारा जो प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे तहसील से होकर गुजरते हैं, उनके रहने और खाने के लिए ये व्यवस्था निरंतर 26 मार्च से हम लोग चला रहे हैं, और जब तक कि अभी लॉकडाउन होगा तब तक कि हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, ताकि कोई भी प्रवासी मजदूर जो चाहे हमारे राज्य से हैं या हमारे राज्य से बाहर से हैं, जो भी गुजरे उसको कम से कम हम भरपेट खाना और रात को आश्रय दे सके। उस तरफ जो बिलासपुर की ओर गाड़ी जा रही है उसको रुकवा के फिर उनमें उनको स्थान देके आगे की ओर उनको भेजते जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बाहर से आते हैं, दूसरे जिले या दूसरे प्रदेश से, तो इनकी जांच संबंधी औपचारिकताएं किस तरीके से की जाती है? बिल्कुल, हम लोग खाना खिलाने से पहले इनका बिल्कुल जांच कराते हैं। इसमें रेंडमली रैपिड टेस्ट भी अपन करवा रहे हैं, और जो सिम्टमिक है उनको दवाई और अन्य मेडिसिन भी उपलब्ध हम लोग करा रहे हैं। देर समय तक आप यहाँ पर रहती हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब? चाहे कुछ भी परेशानी का सामना करना पड़े सर, लेकिन मैं मजदूरों के लिए सामना करने के लिए तैयार हूँ सर। चलिए, कुछ महिला स्व सहायता समूह के जो महिला भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं, इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है, ताकि यहाँ पर जो लोग भोजन करते हैं उसके बाद अपने गंतव्य के लिए जाते हैं। जी, आप लोग क्या क्या भूमिका निभाते हैं? सर, हम लोग तो पहले हम लोग का भूमिका है कि हम लोग को सरपंच महोदय ने कमांडो का ब्लैक कमांडो का वो दिया है, एक आईडी दिया है, और हम लोग उसका भी अपना भूमिका निभाते हुए यहाँ खाना संचालित कर रहे हैं। सब मजदूरों को समूह द्वारा अपना खाना दे रहे हैं, और देते हुए हम लोग को बहुत गर्वान्वित होता है। और खाना खाने वाले किसी को भी हो सकता, तो इसके लिए क्या क्या व्यवस्था किया जाता है? सर, हम लोग इसके लिए दूरी बना के रखते हैं, सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, ग्लव्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और बिल्कुल स्वच्छता का ध्यान रखते हुए हम लोग भी संक्रमित न हो, सामने वाला भी संक्रमित न हो, इस प्रकार से हम लोग दूरी बना के बिठाते हैं और बिल्कुल सैनिटाइजर करके हाथ धुला के उन लोग को बिल्कुल उनको भी सिखाते हैं सर कि ऐसा करो। कई बाहर के जैसे हमारे छत्तीसगढ़ से बहुत कम लोग आ रहे हैं। वाकई में ये सराहनीय है, और अन्य जिलों को भी इस तरीके के जो प्रेरणा है उसको लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है हरेक जिले में और हरेक प्रदेशों में अभी वर्तमान में उत्पन्न हुई है, और इसको लड़ने की जिम्मेदारी हम सबको है। कैमरामैन नईम खान के साथ रोहित कश्यप, स्वराज एक्सप्रेस, मुंगेली। सड़कों के रास्ते